मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सारे फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके? तो जी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ अपने हॉस्पिटल से, और 2-2.5 घंटे यहाँ पे लगा के आज डॉक्टर से लंबी चौड़ी बातचीत की है और ब्लड टेस्ट करवाए हैं। काफ़ी ढेर सारा ब्लड टेस्ट हुए हैं मेरे, और अब मेरी बेटी पुनीत की अपॉइंटमेंट्स नेक्स्ट वीक हैं, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे। और मेरी भी कुछ और नई अपॉइंटमेंट्स बना रहे हैं, तो जी उसके बारे में भी देखेंगे क्या होता है। काफ़ी कुछ अभी प्लान में है और कुछ सर्टेन नहीं है अभी कि क्या करना है। सर्जरी पहले करनी है या कीमोथेरेपी पहले करनी है, क्या करना है, कुछ भी अभी पक्का डिसाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार एक चीज़ का सोचते हैं कि वो पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर जब बाकी चीज़ों का, जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपका बाकी कंडीशंस हैं, उनको सबको जब ध्यान में रखते हैं ना, तो फिर उनको देखना पड़ता है कि किस में क्या चीज़ है, कैसे हो सकता है। तो इसलिए अब डॉक्टर्स की और ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं कीमोथेरेपी के इंचार्ज और जो सर्जन्स होते हैं, अब उनकी दोबारा से मीटिंग होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। नेक्स्ट ट्यूसडे जब वो लोग मीटिंग करेंगे तो उसमें मेरा केस डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि देखिए जी, हम कोई छोटे मोटे बंदे तो हैं नहीं ना, इम्पोर्टेंट बंदे हैं जिनके दोस्त भी हजारों हैं और दुश्मन भी लाखों हैं। तो फिर इसलिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, काफ़ी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए नेक्स्ट ट्यूसडे को सबकी मीटिंग होगी और उसके बाद जो डिसाइड करेंगे वो भी सब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक सब बैठे वेट करते रहे कि अब ये बुढ़िया लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी। अभी नहीं लुढ़कूंगी, अभी बहुत दम है मेरे में, अभी आप लोग बैठे बद्दुआएं देने वाले देते रहे, कोई परवाह नहीं है, मैं तो ऐसे ही एंड तक हंसती रहूंगी। और जलते रहना मुझे देख देख के, जो जलने वाले हो जलो 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 मेरी जूती से, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ मेरा रब है, और जैसे मैंने हमेशा कहा, मौत से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि जिंदगी से ज़्यादा मौत अजीज़ है। क्योंकि मौत आपको हमेशा अपने जो पहले फैमिली ऊपर जा चुकी है भगवान के पास, उनसे मिलवाती है, जैसे मुझे मेरे माँ बाप, मेरी बाकी फैमिली के मेंबर्स जो मुझे बहुत अजीज थे। तो जैसे एक लंबी छुट्टी के बाद आप जाके अपने घर वालों को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अब अगर जाना हुआ तो बहुत खुशी की बात है ये, तो इसमें तो कोई भी मुझे ना डर है ना गमी है ना कुछ है, जिसे डरना है डरे, मैं खुश हूँ, दोनों हाल में खुश हूँ। और माशाल्लाह शुक्र भगवान का, बच्चे भी अब बड़े हैं, खुद को संभाल सकते हैं और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो जी, आज की अपडेट जो आपको देनी थी वो यही है। अब घर की ओर वापस जा रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी बात कर लूँ, घर जाते ही फिर मुझे भूख लगी होगी, खाना बना लूँ फटाफट और खा लूँ और बच्चों को दे दूँ, तो वो सब करते करते शाम हो जाएगी और आप लोगों से बात नहीं हो पाएगी। मुझे पता है बहुत फ्रेंड्स वेट करते हैं कि कोई अपडेट आए तो हमें बताना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं रास्ते में ही रिकॉर्डिंग कर लूं और आप सबको बता दूं कि वैसे तो मेरी कीमोथेरेपी नेक्स्ट वीक शुरू हो जानी थी, लेकिन अच्छा हुआ, मैं दुआ मांग रही थी कि नेक्स्ट वीक ना हो, क्योंकि मेरी बेटी का भी हॉस्पिटल से लेटर आ गया है, उसके भी डॉक्टर्स ने नेक्स्ट वीक बुलवाया है। अब अगर मेरी कीमोथेरेपी होती तो मैं उसके साथ थोड़ी ना जा सकती, तो फिर अच्छी बात है कि मेरी दुआ कबूल हुई और मैं अपनी बेटी के साथ जाके जो उसका इलाज होना है मैं वो भी करवा सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं किसी का मत सुनो, अपने रब पे विश्वास रखो,
क्योंकि वो आपके लिए हर चीज बेहतर करता है, जो आपके लिए अच्छी होती है वही करता है। आप देखें, बेटी को मेरी जरूरत है तो मेरी कीमोथेरेपी कैंसिल हो गई। तो भगवान से बड़ा प्लानर कोई भी नहीं है। वो जो चीजें प्लान करता है ना, वो ही सबसे बड़ी प्लानिंग होती है। और उसको सर माथे पे कबूल करें और हंसी हंसी कबूल करें। कुछ एक मेरे अजीज दोस्त हैं, बहुत दिल के करीब हैं, उनमें से एक भाइयों में से मेरे, मैं उनके नाम बताऊं आपको, जेडी भाई। जेडी भाई इतनी प्यारी बातें लिखते हैं, इतना अच्छा दुआ करके जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, जैसे पता नहीं कितने जन्मों का उनसे रिश्ता है, बहुत अच्छा लगता है। और शबीर भाई तो है ही मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा भाई है अपना, इतना दुख सुख का हर बार ख्याल रखता है। समझ नहीं आती उसको बेटा बोले भाई छोटा बोले क्या बोले। कई बार बड़े भाई बहन भी आपस में इतना डिफरेंस होता है जैसे वो माँ बाप आपके हो सकते हैं। तो सब रिश्ते अच्छे हैं अगर दिल से कबूल किए जाए, सब रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन जहाँ रिश्तों में लोग बेईमानी कर जाते हैं ना, वो आखिर तक आपको चोट पहुँचाते हैं। वो रिश्ते जो कहते थे मुझे जेलसी होती है कि आप दूसरों से बात करते हो, ऐसे दो शख्स मेरी जिंदगी में आए, दोनों पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है YT पर। वो दोनों ने कहा कि हमें जेलसी होती है जब आप किसी और से बात करते हो, लेकिन दोनों खुद बेवफा थे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे और उनकी जिंदगी उनके लिए आसान करे, क्योंकि मैं ना किसी को माफ करती हूँ ना किसी को गुनाह के लिए कहती हूँ। जो करना है उनके रब ने करना है, उनका रब जो करेगा वो भी उनके लिए बेहतर होगा, तो मैं उनके अल्लाह पे छोड़ती हूँ। बाकी दोस्तों में जेडी भाई, शबीर भाई और शकुंतला हमारी शाकू जी और सानिया, सानिया की जब से अम्मी लास्ट ईयर फौत हुई थी, सानिया ने एक माँ का दर्जा दिया है मुझे। लोगों ने कहा कि ये आपको लूट के ले जाएगी, कहाँ जाएगी बच्ची वो बेचारी लूट के मुझे। उसका सोचती हूँ तो जैसे अपने बच्चों के लिए इमोशनल होती हूँ वैसे उसके लिए इमोशनल होती हूँ। लेकिन उसको डांट भी बहुत लगाती हूँ, उसको पता है मेरा, लेकिन वो मेरी डांट को भी मानती है। बहुत उसके साथ भी लोगों ने बुरा किया, लेकिन अगेन यही कहूँगी कि अल्लाह उनको हिदायत दे, लोगों को जो दूसरों का बुरा मांगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में वो फेस करना पड़ जाता है, तो खुदारा ऐसे गुनाहों से बचें, ऐसे किसी का बुरा सोचने से, बुरा करने से बचें। और बाकी अपडेट आप जब नेक्स्ट वीक टेस्ट वगैरह होंगे तब आपको दूंगी। और जो मैंने दूसरी पोस्ट्स अपनी स्केड्यूल करके उनके टाइम वगैरह सेट करके लगाई हुई हैं, वो खुद ब खुद कभी सुबह ऑन हो जाती हैं, कभी किसी वक्त हो जाती हैं। तो जिनको हमदर्दी है, जिनको प्यार है दिल से, अगर आप आके वीडियो देखना चाहते हो तो बहुत मेहरबानी आपकी, वरना प्रमोशन का वर्क तो जारी है और उससे मुझे व्यूज़ में कोई घाटा नहीं पड़ेगा, चल रहा है सब कुछ। लेकिन दोस्त जब आते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं भी कल भी मैंने कोशिश की थी कुछ एक दोस्तों के चैनल पे जा सकूं, मैं गई हूँ, और भी कोशिश रहेगी जब भी टाइम मिले तो दोस्तों के, ये नहीं कि उनका सब टू सब करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे दोस्त हैं तो दिल करता है कि चलो जाके उनका हाल चाल देख लें और उनको पूछ लें। तो ज़िंदगी 4 दिन की होती है लोगों, कोई पता नहीं है कब कोई हमारे जैसा लुढ़क जाए और कब हमारे जैसा कोई और आपकी ज़िंदगी में आए ना आए। तो लोगों की कदर करना सीखो, लोगों का एहतराम करो, लोगों की कदर करो, क्योंकि कई बार जो बातें कही जाती हैं ना वो 100% सच होती हैं और बाद में
वो कहते हैं ना, अब पछताए होत कि आज अब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब नुकसान हो गया उसके बाद पछताने से क्या फायदा। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल।